नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड में पहाड़ों में खासतौर पर विकास का पैमाना सड़क को कहा जाता है, लेकिन कई जगहें ऐसी हैं जहां पर सड़क पहुंचते पहुंचते सालों बीत जाते हैं और ग्रामीणों को जो उम्मीद रहती है वो उम्मीद धरी की धरी रह जाती है। एक ऐसी ही सड़क की कहानी आज आपको बताते हैं। ये सड़क है रुद्रप्रयाग जिले के जखोली विकासखंड की। दरअसल जखोली विकासखंड के अंदर घरड़ा मखेत के अंतर्गत 9 किलोमीटर की जो सड़क थी वो डेढ़ दशक यानी कि 15 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक नहीं बन पाई और ग्रामीण जस के तस हैं। उनको न कोई सुविधाएं मिल पाई और न इस सड़क से होने वाला लाभ जो उनको मिलना चाहिए था वो अभी तक मिल पाया। दरअसल इस पूरे मामले को आप यूं समझिए, इस क्षेत्र के दर्जनों गांवों को जोड़ने के लिए आश्रम घरड़ा मखेत मोटर मार्ग को साल 2005-06 में स्वीकृति मिली थी। तब 400 मीटर की कटिंग का काम शुरू हुआ था। इसके बाद जुलाई 2008 में 6 किलोमीटर की स्वीकृति और मिली। इसके लिए 3,58,00,000 रुपए बकायदा धनराशि भी स्वीकृत की गई और इससे आगे 3 किलोमीटर मोटर मार्ग त्यूखर तक की स्वीकृति साल 2011 में मिली। यानी कि पूरा जो ये 9 किलोमीटर का मोटर मार्ग है इसकी स्वीकृति कुछ चरणों के बाद मिलती रही, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। अब जब डेढ़ दशक के बाद भी इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है तो ग्रामीण लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो कंपनी इस सड़क को बना रही होगी उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इतने साल बीत जाने के बाद भी अगर कोई सड़क नहीं बन पाई तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी और फिर वो सड़क विकास का पैमाना कहां से होगी जो सड़क पूरी ही नहीं हो पाई। अब आपको पहले सुनाते हैं यहां के ग्रामीण इस मामले पर क्या कह रहे हैं। ये साहब ये 2000 से है, 2001 से मान के चलो तुम, स्थिति खत्म है, स्थिति कुछ नहीं है, इससे तो बहुत डामाडोल स्थिति है इसकी। इसमें तो आदमी पैदल भी नहीं जा पा रहा है, इसमें तो लोगों के शादी हैं, ब्याह हैं, अन्य कार्य बहुत सारे, गाँव में मकान बन रहे हैं, पुस्तक लगे, कोई कई अन्य कार्य है, कई क्या लोग दुख तकलीफ है, कोई किसी का प्रसव हो रहा है, कोई बीमार हो रहा है, कोई इसमें आने जाने के लिए तो बहुत परेशानी हो रही है सर। जिम्मेदार लोग कौन हैं सर यहाँ? तो केवल चुनाव के टाइम पर आते हैं जिम्मेदार लोग और दो चार वह करके जाते हैं और काम कुछ भी नहीं करते हैं सर। विगत कई वर्षों से लगभग 10-15 साल से ऊपर हो गए होंगे ये रोड, लगभग इसके खस्ता हाल ही हैं और यहाँ तक कि मतलब लोगों ने महंगी महंगी गाड़ियाँ ले रखी, लेकिन वो यहाँ पे चैम्बर, कई गाड़ियों के चैम्बर फूट गए सर। यहाँ पे ऐसी स्थिति है कि आने जाने की मुश्किल ही है, तो कोई भी आदमी इस बारे में मतलब विभाग से भी हमारे प्रतिनिधि बात करते रहे, लेकिन कोई अमल नहीं हो पा रहा इस रोड के बारे में। कितने गांवों को जोड़ती है सर? लगभग इसमें घरड़ा मखेत कोटी मेहरगांव और त्योंखर तक ये सर लिंक है रोड। सर स्थिति इसकी बहुत दयनीय स्थिति है इस रोड की। करीबन मेरे देखते देखते 7-8 सालों से मैं देख रहा हूँ इस पर, ये रोड के वही हाल हैं, खस्ता हाल है, ना इसमें पुस्ते का कोई वो है और ना कुछ इसमें, मतलब जो गड्ढे हैं, भरान है, वो ना आज तक भरान किया गया है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी जेसीबी तो आता है, लेकिन जेसीबी उक्त जहाँ पे कहीं पे सड़क मतलब टूट जाती है तो उसी कार्य को करता है और उसके बाद बीच में जो गड्ढे होते हैं उसका भरान नहीं होता है और रोड के वही हाल हैं जो 7-8 साल से मैं देख रहा हूँ। पीडब्ल्यूडी को कई बार मतलब लिखित माध्यम से भी उनको बताया गया था और मतलब बीच में धरना जो हमारा होता है उसके माध्यम से बताया गया था कि उन्होंने कहा, फिर कई आश्वासन दिए लेकिन काम अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। तो ये जो मोटर मार्ग है ये मयाली चिरबटिया घनसाली मोटर मार्ग के बंद हो जाने पर बाईपास का काम भी करता है, लेकिन इसके बावजूद भी दशकों से इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। इसमें एक और मामला सामने आया है। इस मोटर मार्ग के बीच में एक पुल का निर्माण भी किया जाना था, लेकिन पुल के डिजाइन में बदलाव और सामग्री महंगी होने के चलते इसके बजट में भारी उछाल लाया गया और इसके चलते इस पुल का निर्माण भी नहीं हो पाया। इस पर एक अस्थायी पुल अभी बना हुआ है जो कि बरसात के समय में अगर बह जाए तो सड़क पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। अब इस मामले पर लोक निर्माण विभाग के जो अधिशासी अभियंता है इंद्रजीत पॉज, वो क्या कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। असल से घड़ा मखेत की जो स्वीकृति 2008 में प्राप्त हुई थी, इसके आरंभ में वन भूमि की स्थिति एवं समरेखन के विवाद आदि से को निपटाने के बाद हमने इसका निर्माण कार्य शुरू किया। वर्तमान में ये कच्ची रोड है और 6 किलोमीटर में हमने इसका निर्माण कर दिया है। भरकटाना दीवार निर्माण कार्य इसमें किया जा चुका है और इसमें मुख्य समस्या ये है कि ये रोड चूंकि कच्ची है तो इसमें बारिश वारिश की वजह से कभी कभी आवागमन में, खासकर दोपहियों को इसमें असुविधा होती है। तो इसका संज्ञान लेते हुए माननीय विधायक रुद्रप्रयाग द्वारा हमें इसके डामरीकरण के आग्रह प्रेषित करने के निर्देश दिए गए और आग्रह हम तैयार कर चुके हैं। सर, पुल निर्माण को लेकर लोगों का कहना है कि पुल लंबे समय से नहीं बन पाया है, क्यों डिले? इसका मुख्य कारण यह है कि 2008 की स्वीकृति प्राप्त थी और हमने इसका निर्माण कार्य विवाद वगैरह सुलझाने के बाद
2013-14 में इसका हमने निर्माण कार्य शुरू किया, तब दरों में अंतर आ चुका था। तो हमारे पास ये समस्या ये थी कि अगर हम तत्कालीन दरों पे काम करते हैं तो शायद हमारे पास, अगर हम पुल का निर्माण टेकअप कर ले तो पहाड़ कटान और दीवार निर्माण के जो दायित्व होंगे या बिल्स होंगे उनको हम पे नहीं कर पाएंगे। तो उस स्थिति को, ऐसी असमंजस की स्थिति ना हो, इसलिए हमने पहाड़ कटान और दीवार निर्माण को पहले पूर्ण कराया ताकि हमें इस बात का आकलन हो कि हमारे पास बचत कितनी है और उस पैसे से पुल बन सकती है कि नहीं। तो वर्तमान में हमारा पहाड़ कटान और वो दीवार पूरा हो चुका है और हमने पुल निर्माण के डिजाइन हेतु हमने आग्रहण प्राप्त कर लिया है। डिजाइन के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि अवशेष धनराशि में सेतु निर्माण हो सकता है अथवा नहीं, और यदि नहीं हो पाएगा, यदि होगा तो हम उसको टेकअप कर लेंगे, नहीं तो हम अधिक धनराशि की मांग कर लेंगे। तो आपने सुना पीडब्ल्यूडी के जो अधिशासी अभियंता है वो इस मामले में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वन विभाग के साथ जो भूमि विवाद है उसके चलते काफी समय से ये सड़क लटकी हुई है, इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने क्या कहा वो भी हमने आपको बताया, किस तरीके से जो ग्रामीण अभी भी उस सुविधा से महरूम है जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, जो 2005-06 में स्वीकृत हुई थी पहली बार, वो अभी भी 2021 में भी पूरी नहीं हो पाई। तो ऐसे में आप खुद अंदाजा लगाइए कि विकास किस सड़क की ओर दौड़ रहा है। इसके अलावा आपको हम ये भी बता दें कि आश्रम, घर्रा, मखेत, मेहरगांव, धानियों, कोटी सहित दर्जनों गांव हैं जो कि इस सड़क से जुड़ते, लेकिन इस मोटर मार्ग की बदहाल स्थिति बनी हुई है और ये हादसों का सबब भी बन रही है क्योंकि निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, जगह जगह पर सड़कें खुदी हुई हैं, कच्ची सड़कें हैं, तो इससे दुर्घटना की आशंकाओं को भी नकारा नहीं जा सकता है और कई जो दुपहिया वाहन चालक हैं वो इस सड़क पर हादसे का शिकार भी होते रहते हैं। इसके अलावा जो बीमार लोग हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको सड़क तक पहुंचाने में भी यहां के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अमूमन पहाड़ की दूसरी जगहों पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर कब तक ये सड़क बनेगी, कब रुद्रप्रयाग जिले के जनप्रतिनिधि, कब जखोली ब्लॉक के जनप्रतिनिधि इस पूरे मामले का संज्ञान लेंगे और इस सड़क मार्ग को पूरा करवाया जाएगा। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर भी, वेबसाइट पर भी जुड़ सकते हैं आप। सब्सक्राइब कर दीजिए संवाद 365 को। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।